ये कुछ यूनिक सा प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको। अबे हाँ पन्नी सही में ही है भाई इसमें। हाँ तो अभी इस पे नया लैपटॉप है, ओपन बॉक्स लैपटॉप जो सकते हो तेरी तो। मैं आपको दिखा देता हूँ तो भाई, ये तो गजब ही चीज हो गई। 10 जनरेशन में 2-in-1 जिसको चाहिए, मैकबुक डिमांड आती है, M1 चाहिए M1 एयर में भी है और प्रो में भी है, दोनों मिल जाएगी। हाँ जी, आप देखो कंडीशन बिल्कुल नई जैसी है। 70-80% डिस्काउंट मेरे लैपटॉप पे आपको हमेशा मिल जाएगा। 360 रोटेट है, टच है। तो दोस्तों आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को दिखाने दोबारा लेके आ चुका भाई नेहरू प्लेस की हमारी लैपटॉप मार्केट। और दोस्तों इस समय मैं खड़ा हूँ भाई वानी लैपटॉप पे। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग एक्सप्लोर करने वाले, जो हमारी यहाँ पर स्टार्टिंग रेंज होगी लैपटॉप की वो क्या रहेगी, प्लस अगर हम लोग यहाँ से लैपटॉप खरीदे तो भाई हम लोगों को फ्री गिफ्ट मिलेंगे लैपटॉप के साथ में नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग भाई कवर करने वाले सारी इन्फॉर्मेशन। तो अपनी वीडियो का तो लंबी ना करते हो, यहीं से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं अपना आज का ब्लॉग। सुमित भाई क्या हाल है आपके? तो सुमित भाई आप कुछ कहना चाहोगे पहले हमारे व्यूअर्स को? पहले तो हम सबका स्वागत करते हैं हमारे चैनल पे और आपके चैनल दोनों पे जी। वानी लैपटॉप में जब भी आप आते हैं कुछ ना कुछ स्पेशल आपको मिलता है, ऐसी कुछ स्पेशल वैरायटी लेके आज फिर हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। ओके, ये एक अपने आप में अजूबा लैपटॉप है। हाँ, सर्वर अगर किसी को लगाना है, सर्वर की जगह आप ये लगा सकते हो। ज़ियोन प्रोसेसर होता है इसमें, दिखा देता हूँ। ज़ियोन प्रोसेसर है, 16 GB रैम अभी लगी हुई है इसमें, 64 GB तक आप अपग्रेड कर सकते हो। 4 रैम के स्लॉट होते हैं इसके अंदर। अच्छा, ठीक है। SSD इसमें 2 TB एक अलग से SSD लगी हुई है, उसके अलावा 2 SSD के अदर स्लॉट भी होते हैं। 3 SSD आप टोटल इसमें लगा सकते हो। 3 SSD हम लगा सकते हैं? 3 लगा सकते हो। मैं प्रैक्टिकली आपको खोल के दिखा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। और रैम आपने शायद 4 बताई थी सुमित भाई। 4 रैम के स्लॉट है, 64 GB तक आप लगा सकते हो। तेरी तो। मैं आपको दिखा देता हूँ तो भाई, ये तो गजब ही चीज हो गई सुमित भाई। ये अजूबा है, एक SSD लगी हुई है, एक SSD का स्लॉट ब्लैंक है। हाँ। एक नॉर्मल HDD लगे, इसके जगह HDD या SSD कुछ भी लगा सकते हो। रैम के स्लॉट 2 अंदर है, तीसरा चौथा इसमें मेंशन है। 4 रैम के स्लॉट टोटल इसके अंदर अवेलेबल है। तो 64 GB तक रैम आपकी इजीली लग जाएगी इसके अंदर। तो किसी को अगर सर्वर लगाना है, सर्वर की जगह आप ये लगा सकते हो। 4 GB ग्राफिक कार्ड आता है डेडिकेटेड, एनवीडिया का क्वाड्रो P2000। अच्छा, ठीक है। ये सारी डिटेल्स के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। क्वाड्रो P2000 एनवीडिया का 4 GB ग्राफिक कार्ड इसमें है। और इसके प्राइस की बात करते हैं, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 73,000 में ही दे देंगे। सिर्फ 73,000 में इसका 130 वॉट का चार्जर भी आएगा, साथ में बैग आएगा और 2 कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट जो हम देते हैं हमेशा, वो आपको साथ में मिल जाएगा। और अगर कोई हमारी वीडियो देख के आता है सुमित भाई, उनके लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है, वो गिफ्ट सस्पेंस में रखेंगे, अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, तो भाई उसकी एक कंडीशन भी आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को हमारा चैनल पहले तो भाई सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना है। और बाकी भाई यहाँ पर देखो भैया का यूट्यूब चैनल भी है, तो भाई वो भी सब्सक्राइब कर लेना। प्लस भाई एक ट्रेजेडी हो गई थी भैया के साथ, तो भाई आप उसके बारे में बताओ, अपना इंस्टाग्राम के बारे में पहले। बस कुछ नहीं, लोग जब कोशिशें कामयाब नहीं होते साजिशें करते हैं। तो किसी ने हमारा इंस्टाग्राम हैंडल हैक करने की कोशिश की है, साइबर सेल में हमने कंप्लेंट FIR दे दी है। तो बहुत जल्दी ये भी क्लियर हो जाएगा, जो भी है ये करने वाला उसको सजा भी मिलने वाली है। तो जो भी है, अगर है तो वीडियो देख रहा है तो उसके लिए मैसेज भी है, ये हरकतें दोबारा होंगी तो वैसे तो पहले जिसने की है उसको सजा मिल जाएगी। तो अपने आप में एक एग्जांपल सेट हो जाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा हमने एक अपना नया इंस्टाग्राम हैंडल भी तब तक के लिए बना लिया है, vani_laptops। तो आपने वो फॉलो करना, अपना प्यार जैसे पुराने वाले हैंडल पर दिखाया था वैसे इस पर भी दिखाना। ठीक है सुमित भाई। और सुमित भाई एक और मेरा डाउट था, अगर किसी बंदे को ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए तो ऑनलाइन अपने यहाँ पे अवेलेबल है? ऑनलाइन हम करते आ रहे हैं पूरे इंडिया। अच्छा। में कहीं भी आप डिलीवरी कराओ, प्रीपेड ऑर्डर हमारे यहाँ से ऑल ओवर इंडिया शिप हो जाता है, कभी कोई इशू नहीं है। ट्रैकिंग डिटेल्स आप इवनिंग में जिस दिन ऑर्डर प्लेस करते हैं उसी दिन आप हमारे से इवनिंग में ट्रैकिंग की डिटेल्स ले सकते हैं। और सुमित भाई अगर किसी को हमारी शॉप पे विजिट करना है तो आप थोड़ा यहाँ का एड्रेस बता दो और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन अपना। नेहरू प्लेस कंप्यूटर मार्केट है, अपने आप में एक लैंडमार्क है। ठीक है। 2 मेट्रो स्टेशन नियर बाई लगते हैं, एक नेहरू प्लेस और एक नेहरू एनक्लेव। ठीक है। अर्चना मेडिकल स्टोर मार्केट में आने के बाद, अर्चना मेडिकल स्टोर एक लोता मेडिकल स्टोर है पूरे नेहरू प्लेस मार्केट के अंदर, वहाँ आके आपको कॉल कर लेना है, साथ में हमारा शोरूम आपको दिखाई दे जाएगा। बोर्ड हमारे बाहर काफ़ी लाइटिंग वाइटिंग है तो ब्राइटली आपको दिख जाएगा। और बाकी दोस्तों मैं आपको यहाँ की लोकेशन भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग भाई इजीली गूगल मैप के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हो। तो सुमित भाई बातचीत हमारी काफी हो गई, आपने अभी हमें एक लैपटॉप दिखाया है, उससे आगे बढ़ते हैं। ये HP स्पेक्ट्रे है, HP की सबसे प्रीमियम सीरीज होती है स्पेक्ट्रे। हाँ, ठीक है। अपने आप में ये भी एक यूनिक चीज है। 360 रोटेट है, टच है, 15.6 इंच के अंदर प्रीमियम सीरीज ही होती है जिनमें आपको 360 रोटेट मिलता है, अदरवाइज 14 इंच तक ही आपको रोटेशन मिलती है। ये 15.6 इंच में 4 GB ग्राफिक कार्ड के साथ मशीन है, 65,000 के अंदर ओनली। 65,000 में सिर्फ। नए का प्राइस
पूछो तो 1.5 लाख से ऊपर ऊपर रहता है। मतलब यानी कि अपना लगभग 70% डिस्काउंट मेरे ख्याल से हो गया। 70% डिस्काउंट मेरे लैपटॉप पे आपको हमेशा मिल जाएगा। कभी भी आप लॉन्च प्राइस पकड़ेंगे तो आपको 80% के आसपास डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ तो सुमित भाई, उससे आगे मेरे को शायद अपनी ये मैकबुक दिख रही है 3 लगातार, और ये काफी प्रीमियम भी लग रही है देखने में। मैकबुक डिमांड आती है, M1 चाहिए, M1 एयर में भी है और प्रो में भी है, दोनों मिल जाएगी। अरे वाह भाई, दिल जीत लिया। कल M2 प्रो भी थी, M2 प्रो कल आई और कल ही 90,000 में सोल्ड हो गई आधे घंटे के अंदर। अरे रे, हाँ जी बढ़िया, ठीक है। तो इसके बारे में बताओ। M1 एयर है, ये 58,000 रुपए में दे देंगे, ठीक है। M1 एयर 2020 का मॉडल था, 8GB RAM, 256GB SSD है, ठीक है। ये मैकबुक एयर M1 आप देखो, कंडीशन बिल्कुल नई जैसी, भाई बिल्कुल नई जैसी कंडीशन। हाँ। और स्लिम देखो भाई कितनी है ये, एश्योर्ड बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं एश्योर्ड, हमारे बोर्ड पे भी लिखा एश्योर्ड, लोएस्ट प्राइस एश्योर्ड है, तो मतलब एश्योर्ड मिलता है सही। हाँ बात है। और क्वालिटी हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, ना एक्सेसरी जो साथ में गिफ्ट देते हैं उनमें, लोग कॉपी बेचते हैं गिफ्ट देते हैं, JBL का गिफ्ट है कॉपी है, अल्ट्रा वॉच देते हैं कॉपी है, वो सारा करोल बाग है, अदर मार्केट में 200-300 रुपये में मिल जाता है। हम कोई भी गिफ्ट भी देते हैं तो कॉपी नहीं देते, हमारे पास जो होता है ओरिजिनल होता है, फेक कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं M1 Pro के तरफ। ये M1 Pro आ गई अपनी, ये तो टच बार में है। हाँ जी टच बार में है। अरे वाह, जिसको चाहिए M1 Pro ये मिल जाएगी। तो इसके प्राइस की बात करें सुमित भाई, एक बार वो बता दो इतने आप। प्राइस इसका है सिर्फ 70,000, ये टच बार के साथ M1 Pro आपको मिल जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कराए तो ये देखो M1 Pro है, ठीक है। 16GB RAM है और 256GB इसमें SSD है, ये देखो। हाँ ठीक है, टच बार के साथ है, M1 Pro देखने को कम मिलती है जी जी, ठीक है। तो M1 Pro भी दे देंगे 70,000 में, बिल्कुल नई जैसी कंडीशन है, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा हमारे पास। तो इसके साथ भी अपने गिफ्ट वगैरह सब कुछ मिलेंगे, चार्जर, सारे जो कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट हैं सारे आपको मिलेंगे। एक चीज क्लियर कर दूं, मैकबुक के ऊपर हमारी वारंटी 1 मंथ रहती है, अदर जो विंडोज बेस्ड लैपटॉप रहते हैं उस पर 3 महीने रहती है। अच्छा, मतलब मैकबुक पे हमारी 1 मंथ की वारंटी रहेगी, और जितने भी है उस पर 1 मंथ रहती है, अदर जो विंडो बेस्ड लैपटॉप्स हैं HP डेल लेना वो जो भी है उस पर 3 महीने रहते हैं। और सुमित भाई, वारंटी पे कुछ अपनी टर्म एंड कंडीशंस भी होंगी या नहीं? टर्म्स एंड कंडीशन देखो अंडरस्टूड है, वैसे तो हर किसी को पता है फिजिकल डैमेज की वारंटी किसी भी चीज़ की नहीं मिलती। हाँ। तो कुछ चीज़ें होती है लैपटॉप में फिजिकल डैमेज भी काउंट होती है। हाँ, हाँ जी, तो जैसे फिजिकल डैमेज, लिक्विड डैमेज, या फिर आपका लाइन आ जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं, स्पीकर हम यहाँ चेक करा के देते हैं। स्पीकर कस्टमर क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं विंडो के अंदर जो उसमें ना साउंड की जो स्पीकर कैपेसिटी 100% तक होती है, उस उन प्लेयर्स के अंदर 200 हो जाती है। हाँ जी, 200 भी होती है, 150 भी होती है, तो जो हार्डवेयर की कैपेसिटी 100% है तो आप उससे ज़्यादा जाएंगे तो वो फट जाएगा, पॉसिबल है। हाँ जी, वो डैमेज हो जाते हैं तो वो कवर नहीं होते। अच्छा। इसलिए हम स्पीकर यहाँ पे सारा साउंड वगैरह चेक करा के देते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी कभी आउट ऑफ द वे भी जाके, मतलब आउट ऑफ वारंटी भी हो जाता है प्रोडक्ट, तो भी हम सपोर्ट देते हैं। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल ऐसे जो लोग आउट ऑफ वारंटी या डेड कंडीशन में लैपटॉप लाए थे, तो हमने उनको जो रीजनेबल हो सकता है, अगर हमारा लग रहा है तो ही हम उनको चार्ज लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। अच्छा सुमित भाई, जैसे एक और बात थी कि नेहरू प्लेस जैसे अपनी पूरी मार्केट है लैपटॉप की, ये फेमस है। अब बहुत से लोगों के अंदर डाउट होता है, जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर लैपटॉप लेने आऊँगा तो मेरे अंदर एक डाउट होता है कि यार मैं जैसे लैपटॉप ले रहा हूँ कि इसके अंदर की मशीनें चेंज तो नहीं कर दी है, कुछ भी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे थोड़ा ऑडियंस को बताओगे? सारा पहली बात तो हम जो बोलते हैं ना वो डिलीवर करते हैं, हमारा जितना माल होता है सारा इम्पोर्टेड होता है, ठीक है। ठीक है, हम बोल के देते हैं, और बहुत सारे कस्टमर हैं, हमने यहाँ पे चेक भी करा के दिया कि इम्पोर्टेड है। बहुत सारे कस्टमर मार्केट घूम के आते हैं कि आप 40,000 का लैपटॉप दे रहे हो, मार्केट में 35 का मिल रहा है, तो हम उनको बताते हैं डिफरेंस कि सर हमारा माल इम्पोर्टेड है, बाकायदा उनको सीरियल नंबर सर्विस टैग डाल के चेक करा के देते हैं, और वो फिर लेके भी यहीं से जाते हैं, घूम के आते हैं 4-5 जगह और लेके भी यहीं से जाते हैं, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस और जो एश्योरेंस यहाँ मिलती है, जो क्वालिटी हम यहाँ दिखाते हैं, जो वैरायटी हम यहाँ देते हैं, वो कहीं नहीं मिलती। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि भाई देखो, भैया ने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को ट्रस्ट भी कैसे करना है, तो आप लोग मेक श्योर यहाँ पर विजिट करना। बाकी नेहरू प्लेस भाई सबसे बेस्ट शॉप हमारी यही रहने वाली है। चल 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 चल, ए गाड़ी स्टार्ट कर। ये मैकबुक प्रो आ जाएगी आपकी, ठीक है। i5 में 2019 का 18 का मॉडल, ठीक है। ये आपको भाई इसका तो मेरे को कोई स्क्रैच भी नहीं दिख रहा ढूंढने से, स्क्रैच तो होते ही नहीं हमारे माल पे, कभी भी नहीं होते। हाँ जी, ये तो कस्टमर लेके जाते हैं तो ऐसे ही नहीं लेके जाते, आपकी वीडियो देख के पहले भी लोग बहुत आए हैं। हाँ, वो तो है, वो तो मेरे को हर बार कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई मिल ही जाता है, कोइंसिडेंटली हमेशा ऐसा होता है कि आप जब भी वीडियो शूट के लिए आते हो कोई ना कोई आपको मिल ही जाता है। इतनी खुशी। तो जो चीज लेने आए होते हैं, जो देख के वीडियो में आते हैं लोग, यहाँ के ये नहीं कहते कि आपने ये दिखाया था और दिया कुछ हो रहा है, तो जो बोला है वो डिलीवर यहाँ पे करते हैं हम लोग। हाँ, मेरी अभी लास्ट वीडियो पे भी कर ले कमेंट भी आया, तो उसने भी यही बोला जो आपने दिखाया वो हमें मिला। बिल्कुल। ये कुछ यूनिक सा प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ आपको,
ये मॉडल होता है एचपी का लाइटबुक, ड्रैगन फ्लाई मॉडल होता है, ड्रैगन फ्लाई है। अरे वाह, नए की लॉन्च की प्राइस होती है लगभग 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए की? उत्तरी 3 लाख रुपए का होता है, जनरेशन 8 है बट 3 लाख का नया होता है ये। ये आपको सिर्फ 60,000 में दे देंगे। सिर्फ 60,000 में? हाँ जी, टच स्क्रीन है, 16 GB रैम है, i7 8 जनरेशन है और प्लस 360 हो गया। हाँ जी, और कलर भी इसका बड़ा यूनिक सा है, मैट ब्लू कलर है। अरे वाह। हाँ जी, और साइड में क्रोम क्रोम की फिनिशिंग, इंपोर्टेड होता है हमारा, नहीं रखते हम रिफर्बिश माल। जो भी लोग प्राइस लेके आते हैं ना कि प्राइस हमें सस्ता मिल रहा है, एक बार ये चेक कर लें कि वो माल रिफर्बिश है। हाँ, इंपोर्टेड नहीं होगा वो, नहीं होता, क्योंकि इंपोर्ट का माल मैक्सिमम सप्लाई हमारे यहीं से जाती है। अच्छा। रिटेल काउंटर नेहरू प्लेस के हों या बाहर के भी हैं, नियर बाई जो मार्केट्स हैं वो हमारे यहीं से जाते हैं जी। तो जो बोलता है कि प्राइस कम है तो उनको बोल दो कि प्राइस एक बार माल को चेक कर लें। प्राइस तो कस्टमर देखता है बट माल भी चेक करना जरूरी होता है कि जो चीज़ के पैसे आप दे रहे हो वो जेन्युइन है कि नहीं। नहीं है, सही बात है ये, पहले कस्टमर का ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है कि वो जो चीज़ कर रहा है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन। इस पे i7 11 जनरेशन डेल के अंदर 15.6 इंच में लैपटॉप आया था, 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ जी, 16 GB रैम, 256 GB SSD, ये सिर्फ और सिर्फ दे देंगे हम 55,000 रुपये का। सिर्फ 55,000 में? हाँ जी, कमर्शियल सीरीज होती है हमारे पास। लोग जो प्राइस कंपेयर करते हैं कंज्यूमर सीरीज से करते हैं कि नए का प्राइस तो जी 60,000 में 65,000 में मिल रहा है, बट वो कंज्यूमर सीरीज होती है। हाँ। कमर्शियल हमेशा 3 गुना प्राइस रहता है। हाँ जी, सही बात। और हार्डवेयर भी उसी तरीके की क्वालिटी का होता है। कंज्यूमर आपका अगर लाइफ 3 साल की है तो कमर्शियल आपका 10 साल भी कहीं नहीं जाते लैपटॉप। अच्छा तो सुमित भाई, और जैसे जो अपने वाले के लैपटॉप होते हैं मतलब गेमिंग लैपटॉप, आजकल बच्चों के अंदर क्रेज होता है, वो वीडियो एडिटिंग भी करते हैं मतलब रील्स वगैरह बनाते हैं, तो वो लैपटॉप उसके लिए प्रेफर होंगे? लैपटॉप हमारे पास प्रेफरेबल, सारे लैपटॉप हैं हर वैरायटी के लिए, हर यूज़र के लिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या बजट के अकॉर्डिंग सारी वैरायटी हमारे पास होती है। तो एक बार आप वाला लैपटॉप भी दिखाना मेरे को जो मैंने एडिटिंग की बात करी है। एडिटिंग की बात कर रहे हो, विक्टर सामने रखा है, 144 Hz का रिफ्रेश रेट होता है इसका। अच्छा, इसका? हाँ जी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे साथ में, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सच में लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये विक्टस हमारे पास बॉक्स पैक आपको मिलेगा जी, ऑनलाइन जो भी प्राइस आप देखेंगे, सेल जो अभी जैसे सेल चल रही है ऑनलाइन, उस सेल से अपार्ट आप जो भी प्राइस है, सपोज करो 60,000 प्राइस है, तो उस पर 10% एडिशनल डिस्काउंट आपको देंगे, GST पेड विद बिल। और इसके बाद गिफ्ट वगैरह? गिफ्ट साथ में मिलेंगे आपको। तो यार सही है सुमित भाई, ऑफर बढ़िया, 10% का डिस्काउंट भी है प्लस गिफ्ट भी है। ऑफर यहाँ पे हमेशा अट्रैक्टिव ऑफर्स मिलेंगे, प्राइस जेन्युइन और जो वैरायटी यहाँ मिल जाएगी वो आपको कहीं मिलने नहीं वाली। हाँ जी नहीं, वो तो है सुमित भाई, मैं ऐसे लिखा ली आप ही की वीडियो बनाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप यहाँ पर मेरे को खुद भी एक ट्रस्ट नजर आता है कि मेरे व्यूअर्स अगर यहाँ पर आ रहे हैं ना तो उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पे आने में। एक यूट्यूबर और आए थे, नेहरू प्लेस का एग्जांपल दे रहा हूँ, उन यूट्यूबर ने बताया कि किसी शॉप की वीडियो बनाई थी, पैसे ट्रांसफर कर दिए बट उन्होंने भेजा नहीं माल, तो उन्होंने यूजर ने उनके YouTube चैनल पे कमेंट डाला कि हमारा माल नहीं आ रहा, तब उन्होंने आके उनका पैसा निकलवाया, माल दिलवाया, अदरवाइज फंस जाते हैं लोग। सही बात है नहीं सुमित भाई, इसलिए वहीं कर करना चाहिए जहाँ पर हमें खुद भी ट्रस्ट हो और हमारे व्यूअर्स आए तो उन्हें भी ट्रस्ट लगे कि बिल्कुल सही जगह आए हैं वो। बिल्कुल, तो HP का ये प्रोबुक मॉडल होता है, 430G8 मॉडल है जी, i5 11 जनरेशन, ठीक है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ दे देंगे 44,000 रुपये। सिर्फ 44,000 जी, ठीक है, ठीक है। 13 इंच में मॉडल था, कंडीशन बिल्कुल नई जैसी है, देख लो कहीं स्क्रैच ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। स्क्रैच तो है ही नहीं, अभी आपने पहले बता दिया, आई देख रहे हो स्क्रैच कहीं से कहीं तक नहीं है। नई जैसी होती है वानी लैपटॉप्स पे, जब भी आप आते हैं कंडीशन वैरायटी प्राइस एश्योर्ड कहीं नहीं मिलेगा, लोएस्ट प्राइस एश्योर्ड होता है हमारे पास, जो यहाँ मिलेगा ना प्राइस वो उस चीज़ का कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, माल कुछ और हो तो मिल सकता है कम, उसकी श्योरिटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लेनोवो की थिकबुक होती है i5 8 जनरेशन, कंडीशन इसकी भी अगर बॉक्स में डाल दो तो नए में आप ले जाओगे जी, ये सिर्फ और सिर्फ 35,000 रुपये में दे देंगे हम, सिर्फ 2 GB ग्राफिक कार्ड के साथ है, 16 GB रैम, 256। हाँ जी, इसके समय भाई पन्नी भी नहीं उतरी ऐसा लग रहा है, अबे हाँ पन्नी सही में ही है भाई। हाँ, तो अभी इस पे नया लैपटॉप है, ओपन बॉक्स लैपटॉप जो होते हैं वो है, गेमिंग लैपटॉप है, i7 10 जनरेशन G3 सीरीज है, और 6 GB ग्राफिक कार्ड जिसको चाहिए ना डेडिकेटेड NVIDIA का, ये लैपटॉप आपके लिए रखा हुआ है। अच्छा, ये वाला लैपटॉप G3 सीरीज है, i7 10 जनरेशन, 16 GB रैम, 512 SSD, 6 GB ग्राफिक कार्ड है, NVIDIA का GTX 1660 Ti। अच्छा, ठीक है, मॉडल भी बता रहा हूँ साथ में इसीलिए। और इसके प्राइस की बात करें तो सुमित भाई, प्राइस सिर्फ और सिर्फ 60,000 में दे देंगे और 6 महीने पूरे लैपटॉप की वारंटी देंगे। 6 महीने की वारंटी? नया पीस है, जो हमारे पास नए पीस आते हैं उसके हम 6 महीने वारंटी देते हैं। अच्छा, ये 6 महीने वारंटी में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2-in-1 का खजाना हमेशा यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है, तो 2-in-1 11 जनरेशन 2-in-1 मार्केट ढूंढने से नहीं मिलेगा, हमारे पास 2-in-1 हमेशा होता है। अच्छा, हाँ जी, i7 11 जनरेशन है, ये देख रहे हो आप, ईवो वी प्रो प्रोसेसर है, ठीक है, i7 11 जनरेशन 7420 मॉडल है, 16 GB रैम, 512 GB SSD,
और 2-in-1 है, टच स्क्रीन है। ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ 52,000 रुपए में दे रहे हैं। टच स्क्रीन में सिर्फ 52,000 में? 52,000 रुपए में। लैटिट्यूड 3420 मॉडल है। मॉडल इसलिए मैं बताता हूँ, जहाँ मर्जी कंपेयर करके आ कर लो, सही बात है, इसीलिए बता रहा हूँ। काम बिल्कुल साफ है, शीशे की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं हम, धोखाधड़ी या कुछ है नहीं। बाबा रखे हुए हैं यहाँ पे, देखो तो दोस्तों कमेंट में, तो यहाँ पे कोई गलत काम बाबा की जय। हाँ जी, बाबा की जय, बाबा की कृपा बनी रहे हमेशा। तो आगे बढ़ते, प्रिसिशन सीरीज आती है डेल की, वर्क स्टेशन मशीन होती है। बैकलाइट होते हैं। अच्छा, तो i7 8th generation 16GB RAM 512GB SSD और इसका जो रेजोल्यूशन होता है ना, ये अलग लेवल का है। तो भाई चेक करो इसका रेजोल्यूशन कितना तगड़ा है। रेजोल्यूशन, स्क्रीन का ब्राइटनेस इसका बिल्कुल अलग होता है। तो ये वर्कस्टेशन मशीन है, 4GB ग्राफिक कार्ड डेडिकेटेड आता है इसमें, 16GB RAM 512 SSD, 4GB ग्राफिक कार्ड। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 48,000 रुपये में जाएगी, सिर्फ 48,000 में। वर्कस्टेशन मशीन है, नई का प्राइस लगभग 2.5 लाख रुपये होता है। 2.5 लाख? हाँ जी, 2.5 लाख की चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ 48,000 में मिल रही है। तो डिस्काउंट मैंने बोला 72-80% डिस्काउंट हमेशा मिलेगा, मिलेगा। फिर आगे बढ़ता है 10th generation 2-in-1 जिसको चाहिए, 7410 मॉडल होता है, मॉडल भी दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। 7410 मॉडल है, 8GB RAM 256 SSD, 2-in-1 टच स्क्रीन। सोच भी नहीं सकते प्राइस, बताओ एक बार फिर। 37,000 रुपये में दे देंगे, सिर्फ 37,000 रुपये। 10th generation नॉर्मल लैपटॉप 10th जनरेशन का आपको नहीं मिलेगा इस प्राइस में, 2-in-1 का लैपटॉप सुमित भाई बता रहे हैं हमारे, 37,000। 8GB RAM 256 SSD, 10th generation आपको सिर्फ और सिर्फ दे देंगे 37,000 रुपये में। सही है यार, ये वाली बढ़िया डील लगी सुमित भाई मेरे को तो, काफी डील सारी अच्छी हैं। आप बस आपकी रिक्वायरमेंट जो है आपको उससे रिलेट करोगे आप, डील सारी अच्छी होती है। फिर थोड़ा बजट में आ जाते हैं, 24-25,000 जिसका बजट है उनके लिए लैपटॉप है, i5 8th generation, 8GB RAM 256 GB SSD, कंडीशन बिल्कुल नई जैसी, इम्पोर्टेड माल होता है, ठीक है, रिफर्बिश माल हमारे पास नहीं मिलेगा आपको कभी भी। ये लैपटॉप 24,000 रुपये में आपको मिल जाएगा, सिर्फ 24,000। 24,000 में सारे गिफ्ट, बैग, चार्जर सब सब साथ में, जो भी हम कमिट करते हैं। लेनोवो के यूज़र कुछ आते हैं हमारे पास, लेनोवो चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली लेनोवो चाहिए, तो उनके लिए भी एक बड़ी प्रीमियम सी चीज़ है, कार्बन x1 कार्बन जी, ठीक है। i7 8th generation 16GB RAM है, 512GB SSD और टच स्क्रीन है ये। अच्छा, टच स्क्रीन में ये अपना, स्क्रीन के अंदर टच है इसका। अरे भाई दोस्तों चेक करो टच स्क्रीन में भाई, ये अपना ये देखो टच स्क्रीन, ये लैपटॉप ये आपको दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 45,000 रुपये में। 45,000? 2 लाख रुपये का लैपटॉप होता है ये, 2 लाख रुपये का नया है, 2 लाख का नया होता है, सिर्फ 45,000 रुपये में दे देंगे। वही अपना 80% का डिस्काउंट आ गया लगभग, वही आ जाएगा। हाँ जी, और थोड़ा बजट में आते हैं, सस्ता जिसको कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, मतलब लेडीज अगर कोई हैं या वर्किंग वुमेन है तो उनके बैग में लैपटॉप आ जाएगा। हाँ, छोटा सा है बिल्कुल। हाँ जी, 12.5 इंच का लैपटॉप होता है। अच्छा, i5 8th generation 8GB RAM 256 SSD, इम्पोर्टेड है, ठीक है, विंडोज 10 प्रो का साथ में लाइसेंस होता है। अच्छा, ये लैपटॉप सिर्फ 22,000 रुपये मिल जाएगा, सिर्फ 22,000 रुपये। हाँ जी, 22,000 रुपये, कॉम्पैक्ट सा लैपटॉप, बिल्कुल लाइट वेट, मतलब 1.25 kg वेट होता है। और इसका जनरेशन क्या बताइए इसमें भाई? 8th generation कंडीशन वही है, बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। इनफैक्ट मैं खुद ये मॉडल यूज़ करता हूँ, टैली वगैरह इसमें यूज़ करता हूँ, ये वो मॉडल है। आगे बढ़ते हैं, ये 7th generation में 21,000 रुपये में आपको लैपटॉप मिल जाएगा, ये कंडीशन बिल्कुल इम्पोर्टेड वाली है, ठीक है, i5 7th generation 8GB RAM 256 SSD, 21,000 रुपये मिल जाएगा सारी ऑफर्स के साथ। और आगे बढ़ते हैं, एक ये लैपटॉप 11th generation लैपटॉप, कोई भी चैलेंज करता हूँ, 11th generation का लैपटॉप कोई भी इस रेट में दे नहीं पाएगा, सिर्फ 24,000 रुपये में आपको 11th generation का लैपटॉप दे दूँगा, i3 11th generation 8GB RAM 256 SSD, और नवंबर 2024 तक एसर इंडिया आपको वारंटी देगा इसकी, एक साल से ऊपर की वारंटी, एक साल से ज़्यादा की वारंटी इस लैपटॉप की 24,000 रुपये में मिल जाएगा आपको। नया लैपटॉप 65,000 से 70,000 रुपये का होता है, ये ट्रैवल मेट सीरीज है, P214-53 मॉडल होता है इसका। अच्छा, तो ये लैपटॉप आपको 24,000 रुपये मिल जाएगा सारी ऑफर्स के साथ, और चैलेंज है कोई दे नहीं सकता i3 11th generation का, 11th generation कोई भी लैपटॉप आपको इस रेंज में मिल ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी, आगे ये फिर प्रिसिशन आ गया आपका, सेम जो आगे दिखाया है जी, ये आपका 7490 आ गया जो अभी दिखाया है, मैकबुक एयर बेसिक बजट के लिए जिसको एप्पल शो किया लेना है। हाँ, कि एप्पल यूज़ करना है, 23,000 रुपये में एप्पल आपको दे देंगे ये मैकबुक एयर, 23,000 रुपये मैकबुक एयर, 23,000 में चार्जर बैग सब ऑफर के साथ, सही है, ठीक है। i7 10th generation HP के लाइट बुक होती है जी, 840G7 मॉडल होता है, मॉडल भी देख लो यहाँ पे, 840G7 मॉडल होता है, 16GB RAM 256 SSD के साथ। इसका प्राइस क्या पड़ेगा? इसका प्राइस 840G7 का आपको 16256 में दे देंगे, 45,000 i7 10th generation।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं i5 10th generation में। i5 10th generation सबसे सस्ता लैपटॉप आपको बाजार में जाओगे ना 35-40 से कम नहीं मिलेगा। यहाँ आपको 30,000 रुपये में लैपटॉप दे देंगे i5 10th generation, 8GB RAM, 256GB SSD। 10th generation, हाँ जी 10th generation, 34th model होता है, डेल का लैटिट्यूड सीरीज कमर्शियल सीरीज है। आगे बढ़ते हैं मैकबुक एयर, वही 23,000 में बजट वाले लैपटॉप के लिए, ठीक है 25,000 रुपये में HP के लाइटबुक आप ले जाओ मेरे से i5 8th generation, सिर्फ 25,000 रुपये। हाँ जी 25,000 रुपये में i5 8th generation आप ले जाओ, ठीक है इम्पोर्टेड माल i5 8th generation, 8GB RAM, 256SSD, सिल्वर कलर की बॉडी में, ये आप 25,000 में ले जाओ मेरे से सारे ऑफर्स के साथ। ये फिर प्रिसिशन आ जाता है जो अभी आपको दिखाया पीछे, ठीक है ये मिल जाएगा। इसके अलावा ये 15 इंच में जिसको लैपटॉप चाहिए 25,000 रुपये में लैपटॉप आपको मिल जाएगा 15 इंच में, 25,000 रुपये का। हाँ जी 15 इंच 25,000 में दे देंगे i5 8th generation, 8GB RAM, 256SSD, न्यूमेरिक पैड के साथ। अच्छा न्यूमेरिक पैड के साथ है तो भाई देखो काफी लोगों की डिमांड भी होती है इसकी, तो अकाउंट्स वाले जो स्पेशली होते हैं ना उनको ये न्यूमेरिक पैड चाहिए होता है, वो डिमांड करते हैं। इसके अलावा ये लैपटॉप मिल जाएगा आपको, ये 5th generation लैपटॉप है जिसको चाहिए 17,000-18,000 की रेंज में लैपटॉप, तो ये लैपटॉप आपको दे देंगे i5 5th generation। इससे नीचे भी रेंज में समझ भाई अपने पे कोई होगा आ जाता है लैपटॉप आपको 54-40 model होता है हमारे पास अभी नीचे रखे हुए 54-40 model था i5 4th generation, 8GB RAM, 256GB SSD, रैम SSD उतनी ही है, खाली CPU की जनरेशन लो चली जाती है। ये लैपटॉप को 16,000 में दे देंगे, 16,000 रुपये में, यानी कि मतलब स्टार्टिंग रेट अपने 15-16 से हो जाएगी, 15-16 से हो जाती है। साथ में ऑफर्स गिफ्ट सारे हैं, अगर ऑफर गिफ्ट नहीं चाहिए वैसे तो गिफ्ट का अमाउंट डिटेक्ट नहीं होता, बट किसी के साथ बजट का इशू है तो हम वो भी कर देते हैं, मतलब जितना फ्लेक्सिबिलिटी कस्टमर के लिए कर सकते हैं उतना कर जो अदर जगह नहीं होती वो यहाँ पे आपको हो जाती है। ये काफी अच्छी चीज है सुमित भाई, होनी भी चाहिए और ये चीज। हाँ जी हाँ जी, आउट ऑफ द वे जाके भी हमारे यहाँ पे सपोर्ट मिल जाती है, लोग नहीं करते हैं। और एग्जांपल चाहिए तो सर भी बैठे हुए हैं, स्क्रीन में लाइन आ गई थी, इनका पैनल का हाफ हाफ हमने बियर किया है जी। अच्छा इनका पैनल डलना है, XPS सीरीज का प्रिसिशन सीरीज का पैनल डलना है, 12,000-13,000 रुपये का पैनल है, तो हमने हाफ हाफ इनके साथ एडजस्ट कर लिया है, सामने बैठे हैं, ठीक है। तो खाली पैसा अर्न करना नहीं है, वो नहीं है यहाँ पे, अगर सपोर्ट किसी के साथ चाहिए किसी को तो यहाँ मिल जाती है आउट ऑफ द वे जाके, जो नेहरू प्लेस में कभी नहीं होता। लोग अपने प्रोडक्ट की वारंटी देने से मना कर जाते हैं जो जेन्युइन केस में होता है, हमारे यहाँ जिस केस में नहीं भी है वारंटी वो भी वारंटी में हम कर लेते हैं एडजस्ट। अच्छा सुमित भाई लास्ट में एक बार आप अपनी शॉप का एड्रेस मुझे दोबारा बता दो खाली। शोरूम का हमारा एड्रेस रहेगा G13 स्काईलार्क बिल्डिंग नियर अर्चना मेडिकल स्टोर, ठीक है नेहरू प्लेस मार्केट में कहीं भी आके आप एक मेडिकल स्टोर पूछ लें, मेडिकल स्टोर के बिल्कुल लेफ्ट में वानी लैपटॉप्स कोई भी बता देगा, बोर्ड भी बहुत बड़े बड़े 2-3 बोर्ड हमारे बाहर लगे हुए हैं तो आपको दिखाई आ जाएगा, नज़र आ जाएगा। अदरवाइज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो मार्केट में कहीं भी आके, हमारा स्टाफ आपको पिक भी कर लेगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को भाई सारा स्टॉक तो नहीं सकता, फिर हमारी वीडियो क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप लोग देखो मैंने आपको टेबल पर रख के सारा स्टॉक दिखाया, प्लस भाई ऊपर भी सामने रैकों में लगा, तो काफ़ी स्टॉक है, वीडियो फिर काफ़ी लंबी जाएगी। तो दोस्तों अपनी आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर खत्म। तो दोस्तों अगर आप लोग हमारे आज की वीडियो अच्छी लगी तो भाई आप लोगों को पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल पर नया पहली बार आए हो तो भाई चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन भी दबा देना। इसी के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिर किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय श्री राम।